बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स जो FSC ICS वगैरह में जो यूज़ होता है उसकी एक्सरसाइज 10.3 का आगाज़ करने लगे हैं, और आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं स्टार्ट करूँगा। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ साइन 2α, कॉस 2α, टेंजेंट 2α की वैल्यूज़ मालूम करनी है अगर साइन अल्फ़ा 12/13 के बराबर हो। और उसके बाद उसने कंडीशन दे दी है कि अल्फ़ा 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। जब आप ये कहते हैं कि अल्फ़ा 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये देखिए, ये 0 से लेके तो ये 90 तक, तो 90 से छोटा, 0 से बड़ा, तो इसका मतलब है कि एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये आपने मालूम करनी है। साइन अल्फ़ा गिवन है आपको 12/13। रिमेंबर कि जब आपने साइन 2α, कॉस 2α, टेंजेंट 2α की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो आपके पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर डायरेक्ट फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर हासिल करेंगे। अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सिर्फ ये चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। एज वी नो, क्या जानते हैं आप? आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 - sin² α के। तो 1 - sin α की वैल्यू 12/13 है, तो 12/13 का स्क्वायर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इस कैल्शियम लिया, 169 - 144 / 169 योर आंसर इज 25/169। सो कॉस अल्फा, ये था कॉस स्क्वायर अल्फा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा? दैट इज इक्वल टू +-5/13। नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर वी हैव टू चूज प्लस टर्म और माइनस टर्म। फॉर दैट आई हैव टू लुक वेयर द अल्फा लाइज। अल्फा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस अल्फा इज पॉजिटिव, देयरफॉर आई विल चूज द पॉजिटिव टर्म। कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू +5/13। द रीजन इज दैट बिकॉज अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, that's the reason why the value of cos alpha is positive. Now what is the value of tangent alpha? That is equal to sin alpha divided by cos alpha. Sin alpha is equal to 12/13, while the value of cos alpha is equal to 5/13. तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 12/5। नाउ यू आर इन द पोजिशन टू फाइंड एनी वैल्यूज, दैट इज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द साइन 2α, हाउ यू कैन फाइंड इट? साइन 2α विल बी इक्वल टू 2 sin α कॉस ऑफ अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 12/13, while the value of cos alpha is equal to, you have just calculated in the shape of 5/13, and after simplification 5 12s are 60, 60 multiplied by 2, your answer is 120/169. Similarly, you can find out the value of cos of 2α. Cos 2α will be equal to cos square alpha minus sin square alpha. There are three formulas of cos of 2α. You can also use 1 - 2 sin² α or 2 cos² α - 1. In both the cases, the answer will be the same. Value of cos alpha is, that is equal to 5/13. So its square will be 5/169. Sin square alpha is equal to 144/169. And after simplification, when 25 will be subtracted from 144, what you will get? 144 - 25 = 139. You will get -139 नहीं आएगा, यहाँ पे 119 आएगा। -119
divided by 169. Similarly, if you are interested to find out the value of tangent 2 alpha, tangent 2 alpha will be equal to sine 2 alpha over cos of 2 alpha. You can also use the formula of tangent 2 alpha, which is equal to 2 tangent alpha over 1 minus tangent square alpha. And by substituting the value of this one, and after simplification, you will be able to find out the value of tangent of 2 alpha. The second method is that you have already calculated sine of 2 alpha in the form of 120 divided by 169. Cos 2 alpha is equal to minus 119 over 169. And 169 will be cancelled with 169. Khatam, finish. You will get 129 over 119. Similarly, its second and third part can also be calculated in the same way. Okay. क्वेश्चन नंबर टू में कोटेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा है, इसको हमने प्रूफ करना है टू कोटेंजेंट ऑफ टू अल्फा. उसी मेथड को फॉलो करेंगे जिस तरह के अक्सर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं. हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देते हैं. तो आइए लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं, विच इज़ कोटेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा. सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके इसका एलसीएम लेते हैं और उसके बाद फार्मूलाज अप्लाई करेंगे. तो फार्मूलाज अप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ये देखिए, मैंने कोटेंजेंट अल्फा को कॉस अल्फा साइन अल्फा और टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा में कन्वर्ट कर दिया. इसका एलसीएम लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा. अब राइट हैंड साइड में टू कोटेंजेंट टू अल्फा मुझे चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे ऊपर कॉस ऑफ टू अल्फा चाहिए, नीचे साइन ऑफ टू अल्फा की अच्छा ज़रूरत है. तो ये देखें, ये तो कॉस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा, ये तो कॉस टू अल्फा के बराबर आ जाएगा. लेकिन ये जो साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, इसको साइन टू अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला मेरे पास है टू साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे 2 की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सेंटेंस लिखने बड़े ज़रूरी होते हैं, फिर आपके पूरे पूरे नंबर आते हैं पेपर के अंदर. क्योंकि एग्जामिनर को आपने यही समझना होता है कि उसको कुछ नहीं पता, सारे स्टेप आपने इसको करके बताने हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ. ये 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया. एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल. ऊपर आ गया कॉस ऑफ टू अल्फा, टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, ये बन गया साइन टू अल्फा और ये बन गया टू कोटेंजेंट ऑफ टू अल्फा. अब इस एक्सरसाइज के तमाम ऐसे क्वेश्चंस जिसमें अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़े, उन क्वेश्चंस को हम कहेंगे कि दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब यहाँ पे रिजल्ट लाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा है, लिहाजा इस क्वेश्चन को मैं क्या कहूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3, इसका प्रूफ बड़ा छोटा सा है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. इस बात को आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लेनी है. अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया जाए तो इसके अंदर डबल आइडेंटिटीज हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में सिंगल आइडेंटिटी है. तो इसलिए एक सबसे पहले तो ये है कि डबल आइडेंटिटीज को आपने सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. तो साइन टू अल्फा का फार्मूला आप लोग जानते हैं, टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा के बराबर होता है ओवर वन प्लस. अब कॉस टू अल्फा की जगह पे हमने क्या लगाना है, ये हमने फैसला करना है. कॉस टू अल्फा के तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं. कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला ये था, और एक फार्मूला हमारे पास है टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन. एक टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें. अगर दरमियान में प्लस होगा तो हमेशा कॉस का फार्मूला लगेगा, अगर यहां पे माइनस होगा तो फिर हमेशा साइन का फार्मूला लगेगा. ठीक है, तो कॉस टू अल्फा की जगह पे किस चीज का फार्मूला लगेगा? प्लस है ना दरमियान में, अगर प्लस होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा वाला फार्मूला लगेगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन. ये माइनस वन प्लस वन से ठीक हूं,
खत्म, फिनिश, खलास। ऊपर आ गया टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, नीचे आ गया टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, टू टू के साथ उड़ा दिया मैंने, कॉस अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा से उड़ा दिया, ऊपर रह गया सिर्फ साइन अल्फा और नीचे रह गया कॉस अल्फा, विच इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। और ये क्या है, ये है आपकी राइट हैंड साइड, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर फोर इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। प्रूफ इसका बड़ा मुख्तसिर सा है, लेकिन टेक्निक जो इसके अंदर मैं बताऊंगा उसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा। अब देखें यहां पे हाफ एंगल फार्मूले का इस्तेमाल होगा, इधर अल्फा है, इधर इसको हमने अल्फा बाई टू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब वन माइनस कॉस अल्फा है, अगर वन माइनस कॉस अल्फा हो तो मैंने आपको कहा था साइन का फार्मूला यूज होगा। कॉस अल्फा के तीन फार्मूले हैं, कॉस के अल्फा बाई टू माइनस साइन के अल्फा बाई टू, इसका तो पता चल जाता है कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है। वन माइनस टू साइन के अल्फा बाई टू ये कन्फ्यूज करता है और ये वाला कन्फ्यूज करता है कि इनका फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अगर दरमियान में माइनस होगा तो साइन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लस होगा तो कॉस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि माइनस है तो साइन वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, कॉस अल्फा की जगह पे किसकी वैल्यू आएगी, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाई टू ओवर साइन अल्फा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा बराबर होगा टू साइन ऑफ अल्फा बाई टू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। अब देखिए ना, कॉस टू साइन टू अल्फा का फार्मूला आपने जो पढ़ा था वो ये था कि टू साइड पे आ जाएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर यहां पे अल्फा है तो टू बाहर आ जाएगा, अल्फा का हाफ अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें और अपना आंसर हासिल करें, ओवर टू साइन ऑफ अल्फा बाई टू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। ये वन वन के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाई टू ओवर टू साइन ऑफ अल्फा बाई टू कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। टू टू के साथ उड़ा दिया, साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा से उड़ा दिया, ऊपर रह गया साइन अल्फा बाई टू, नीचे रह गया कॉस अल्फा बाई टू। साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू किसके बराबर होता है, टेंजेंट अल्फा बाई टू। और ये क्या है जी, आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसके अंदर हमने प्रूफ करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, सिकेंट टू अल्फा मनफी टेंजेंट टू अल्फा के बराबर है। अबल डबल आइडेंटिटीज को सिंगल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना आसान है, तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड को चूज करूंगा और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। अब सिकेंट टू अल्फा को अगर मैं लिख दूं कॉस ऑफ टू अल्फा, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज, आप कहेंगे नो सर, नो नेवर नॉट एट ऑल। इसी तरह साइन टू अल्फा, टेंजेंट टू अल्फा को लिखा जा सकता है साइन टू अल्फा ओवर कॉस ऑफ टू अल्फा। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो वन माइनस साइन ऑफ टू अल्फा आ जाएगा, वन माइनस साइन ऑफ टू अल्फा ओवर कॉस ऑफ टू अल्फा। अब इसको अगर मैं लिख दूं यहां पे कि कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, वन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। अब वन की जगह पे जो वैल्यू लिखनी पड़ी है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को कहते हैं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और साइन टू अल्फा की जगह पे आ गया टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे जो है सिंगल डबल आइडेंटिटी से सिंगल की तरफ मूव करना है, और कॉस टू अल्फा का फार्मूला चूंकि देखिए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा चाहिए, तो नीचे मैं ऐसा फार्मूला लिखूंगा जिसके अंदर कॉस आता हो और साइन आता हो, और वो ये वाला फार्मूला है कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक 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 तो ये आ गया फिर कॉस ऑफ अल्फा
माइनस साइन ऑफ अल्फा होल का स्क्वायर और इसकी कर दी फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगी कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा, एक दफा ऐड कर दिया एक दफा माइनस कर दिया। जो फार्मूला मैंने यहां पे यूज किया है वो ये था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे कुछ कैंसलाइजेशन होगी, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। ऊपर नेगेटिव वैल्यू आ गई और नीचे पॉजिटिव वैल्यू आ गई जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी वन है क्योंकि देखिए 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा को हमने साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 के बराबर साबित करना है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं साइन अल्फा की जगह पे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लेके आता हूँ तो 1 प्लस वो आगे सिंप्लीफिकेशन होती नहीं है। हाँ बता, अगर आप ये 1 की जगह पे ये लगा दें, ट्रिकी क्वेश्चन है ड्यू टू दिस 1 क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। 1 इज इक्वल टू हाफ एंगल चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर होगा, राइट? दैट्स रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इसकी जगह पे फिर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा की जगह पे हाफ एंगल फार्मूला जब लगाएंगे तो वो 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 के बराबर आ जाएगा, प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट। ये मिक्स ना हो जाए, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। ओवर नीचे भी कुछ इसी तरह का स्टेप करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा की जगह पे आ गया 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, बिकॉज साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक? ऊपर आ गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, नीचे आ गया साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो हमारे पास आंसर आ गया कॉस ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।